सब्सक्राइब कीजिए टेक माइंड बट चैनल को और सबसे पहले लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए क्लिक कीजिए इस बेल बटन पर। इस वीडियो में आप सीखेंगे कि भीम पीएनबी यूपीआई ऐप से किसी भी यूपीआई आईडी और बैंक अकाउंट में रुपए कैसे ट्रांसफर करते हैं और रुपए के लिए रिक्वेस्ट कैसे भेजते हैं। तो फिर इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं उमेश सैनी और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल टेक माइंड वर्ल्ड। हम इससे पहले पीएनबी बैंक के यूपीआई ऐप पर रजिस्टर करना, उसमें बैंक अकाउंट लिंक करना, पेमेंट एड्रेस बनाना और ट्रांजेक्शन यूपीआई पिन सेट करना बता चुके हैं। उस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज हम आपको पीएनबी यूपीआई ऐप के द्वारा किसी भी बैंक अकाउंट में और यूपीआई आईडी पर रुपए ट्रांसफर करना और रुपए के लिए रिक्वेस्ट भेजना बता रहे हैं। अपने भीम पीएनबी यूपीआई ऐप को ओपन करेंगे। हमने इसे पहले से ओपन करके रखा है। रुपए ट्रांसफर करने के लिए यहाँ पे ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ से आपको अपना बैंक अकाउंट सेलेक्ट करना है, जिस बैंक अकाउंट से आपको रुपए ट्रांसफर करने हैं। आपने इसमें जितने भी बैंक अकाउंट ऐड कर रखे होंगे वो सब यहाँ पर आ जाएंगे। आपको जिस बैंक अकाउंट से रुपए ट्रांसफर करने हैं उसे यहाँ से सेलेक्ट करना है। इसके बाद यहाँ से अपना बीपीए सेलेक्ट करना है। अब यहाँ से पेई का एड्रेस टाइप सेलेक्ट करना है। पहले हम आपको पेई के वर्चुअल एड्रेस पर रुपए ट्रांसफर करके बता रहे हैं, इसलिए हमने वर्चुअल एड्रेस सेलेक्ट कर लिया है। ध्यान रहे, वर्चुअल एड्रेस पर रुपए ट्रांसफर करने के लिए पेई का वर्चुअल एड्रेस होना जरूरी है। अब यहाँ पर पेई का वर्चुअल एड्रेस टाइप करेंगे। इसके बाद यहाँ पर रुपए डाल देंगे, जितने रुपए ट्रांसफर करने हैं। इसके बाद रिमार्क्स में नरेशन टाइप कर सकते हैं, ये ऑप्शनल है, इसे ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। इसके बाद सबमिट के बटन पर क्लिक कर देंगे। इस पर क्लिक करते ही आपसे कन्फर्मेशन के लिए कहा जाएगा, इसके लिए कन्फर्म पर क्लिक करेंगे। जैसे ही कन्फर्म पर क्लिक करेंगे आपसे यूपीआई पिन टाइप करने के लिए कहा जाएगा। यहाँ अपना यूपीआई पिन एंटर करने के बाद ओके पर क्लिक कर देंगे। ये देखिए, ट्रांजेक्शन सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया है। चलिए अब हम आपको बैंक अकाउंट नंबर और आईएफएससी कोड के द्वारा रुपए कैसे ट्रांसफर करते हैं बता देते हैं। इसे ओके कर देंगे, फिर से पे पर क्लिक करेंगे। यहाँ से बैंक अकाउंट सेलेक्ट करेंगे, जिस बैंक अकाउंट से रुपए ट्रांसफर करने हैं। यहाँ से आपको बीपीए सेलेक्ट करना है। इसके बाद पे का एड्रेस टाइप सेलेक्ट करना है। अब यहाँ से आपको अकाउंट नंबर प्लस आईएफएससी सेलेक्ट करना है। इसके बाद यहाँ पे का अकाउंट नंबर डालना है। यहाँ आईएफएससी कोड टाइप करेंगे, यहाँ रुपए डाल देंगे, जितने रुपए ट्रांसफर करने हैं। इसके बाद रिमार्क्स में नरेशन टाइप कर सकते हैं। इसके बाद सबमिट पर क्लिक कर देंगे। अब कन्फर्मेशन के लिए कन्फर्म पर क्लिक करेंगे। अब ट्रांजेक्शन यूपीआई पिन डालेंगे, इसके बाद ओके कर देंगे। ये देखिए, ट्रांजेक्शन सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया है। चलिए अब रुपए के लिए रिक्वेस्ट भेजना सीख लेते हैं। इसे ओके कर देंगे। अब कलेक्ट ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ से आपको अपना बैंक अकाउंट सेलेक्ट करना है, जिस अकाउंट में रुपए मंगाने हैं। यहाँ से अपना बीपीए सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पेयर का वर्चुअल एड्रेस एंटर करना है। यहाँ रुपए डाल देंगे, जितने रुपए के लिए रिक्वेस्ट भेजनी है। इसके बाद यहाँ से रिक्वेस्ट एक्सपायरी डेट और टाइम सेट कर सकते हैं। रिमार्क्स में नरेशन डाल देंगे। इसके बाद सबमिट पर क्लिक कर देंगे। अब कन्फर्म पर क्लिक करेंगे। ये देखिए, रिक्वेस्ट चली गई है। अब जैसे ही पेयर इस रिक्वेस्ट को अप्रूव करेगा तो उतने रुपए आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे। अब अगर आपको ट्रांजेक्शन हिस्ट्री चेक करनी हो तो आप ट्रांजेक्शन स्टेटस पर क्लिक करके हिस्ट्री देख सकते हैं। हमने अभी जितनी भी ट्रांजेक्शन की हैं वो सब यहाँ पर शो हो रही हैं। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन पर जरूर क्लिक करिएगा, जिससे हमारी आने वाली हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।